अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज़ किरण जबीन, आई एम फ्रॉम PMS गर्ल्स टू। टुडे इज़ अवर लेक्चर इज उर्दू। आज हमारी उर्दू की क्लास है। सबसे पहले हम रिवाइज़ कर रहे हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहे हैं। सबसे पहले हम अलिफ से गाफ तक कंप्लीट कर चुके हैं, तो पहले ही मैडम आपको वन टाइम रिवाइज़ करवा देती हैं। पहले हम लिखेंगे अलिफ, अलिफ के बाद क्या आता है? बे। बे के नीचे कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। बे के बाद क्या आता है? पे। पे के नीचे कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते हैं। टू आईज वन नोज। पे के बाद क्या आता है? ते। ते के ऊपर कितने नुक्ते हैं? दो नुक्ते हैं। एक दो। ते के बाद क्या आएगा? ते। ते के ऊपर क्या है? टोपी। पी के बाद हम जाएंगे नेक्स्ट लाइन में, वन लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे से। से के ऊपर तीन नुक्ते हैं। टू आईज वन हेड। से के बाद क्या आता है? जीम। हवा में हेड बनाया, स्लांटिंग लाइन लगाई और फिर इसका टमी बना दिया और यहाँ पे इसकी छोटी सी टेल बना दी। जिम के टमी में कितना लंच है? एक लंच है। जिम के बाद क्या आएगा? चे। चे के टमी में कितना लंच है? तीन लंच है। टू आईज वन नोज। चे के बाद क्या आएगा? हे। हे के पास कितना लंच है? कोई लंच नहीं है, हे का रोज़ा है। हे के बाद क्या आएगा? खे। खे के पास कितना लंच है? एक लंच, और लंच इसका कहाँ है? हेड के ऊपर। अब खे के बाद क्या लिखेंगे हम? खे के बाद हम वन लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे हम दाल। दाल के बाद क्या आता है? दाल। दाल के ऊपर क्या है? टोपी। टोपी जो है वो ना ऊपर वाली लाइन को टच करे और ना ही डाल को टच करे। डाल के बाद क्या है? जाल। जाल के ऊपर क्या है? एक नुक्ता। जाल के बाद क्या आता है? रे। हवा में हमने अलिफ लिखा, फिर इसको यहाँ से थोड़ा सा टर्न करके लाइन के साथ टच करके आगे ले आए। रे के बाद क्या आएगा? रे। रे के ऊपर क्या है? टोपी। रे की टोपी ना रे को टच करे और ना ही ऊपर वाली लाइन को। अब फिर हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, वन लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे जे। जे के ऊपर क्या है? एक नुक्ता। जे के बाद क्या आता है? जे। जे के ऊपर कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते। टू आईज वन हेड। जे के बाद आता है सी। हवा में दो दांत बनाए, फिर इस दांत को ऐसे लाइन से नीचे लेके गए, यहाँ पे इसको राउंड किया और इसका टमी बना दिया और ऊपर ले आए। सीन। सीन के बाद क्या आएगा? शीन। हवा में दो दांत बनाए, लाइन नीचे लेके गए और फिर इसका टमी बना के लाइन से ऊपर ले आए। शीन के ऊपर कितने नुक्ते हैं? तीन नुक्ते हैं। टू आईज वन हेड। और इसके जो नुक्ते हैं ना, वो उसके दांत के अंदर नहीं जाने चाहिए। शीन के बाद क्या आता है? स्वाद। हवा में बे बनाया, फिर उसकी लंबी सी आई बनाई, फिर उसका टमी बना दिया। टमी लाइन से नीचे गया, फिर थोड़ा सा लाइन से ऊपर आया। स्वाद। स्वाद के बाद क्या आएगा? स्वाद के बाद हम वन लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे स्वाद। हवा में बे बनाया, लंबी सी आई बनाई, फिर उसका टमी बना दिया। ज्वाद के ऊपर क्या है? ज्वाद की आई के ऊपर एक नुक्ता है। ज्वाद के बाद क्या आता है? तोय। जैसे हमने रे लिखा था, वैसे हम यहाँ तोय के लिए रे लिखेंगे, फिर इसका टमी बना देंगे और टमी जो है वो लाइन से नीचे नहीं जाना चाहिए। तोय के बाद क्या आएगा? जोय। जोय के ऊपर क्या है? जोय की टमी के ऊपर एक नुक्ता है। जोय के बाद क्या है? एन।
पहले हवा में हमने फेस बनाया और इसका जो फेस है ना छोटा सा वो अलिफ को देख रहा है, फिर इसका बड़ा सा टमी बना दिया, टमी लाइन से नीचे गया और थोड़ा सा लाइन से ऊपर आया। ऐन ऐन के बाद क्या आता है? गैन। गैन का भी फेस जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ है, अलिफ को देख रही है, गैन के हेड के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। अब गैन के बाद हम नेक्स्ट लाइन में जाएंगे, वन लाइन लीव करके नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे फे। ये वाला हेड थोड़ा सा लंबा किया, यहाँ पे इसका फेस बना दिया और इस फेस के ऊपर एक नुक्ता लगा दिया। फे के बाद क्या आएगा? काफ। बड़ा सा हमने टमी बनाया, लाइन से नीचे गया और थोड़ा सा लाइन से ऊपर, और टमी की ये वाली साइड थोड़ी सी लंबी बनाई हमने और यहाँ पे इसका फेस बना दिया और उसके फेस के ऊपर हमने दो नुक्ते लगा दिए, तो ये बन गया काफ। काफ के बाद क्या आएगा? काफ, जिसकी एक स्टिक है, बे की तरह हमने लिखा, ये वाला हैंड थोड़ा सा लंबा कर दिया और फिर इसके हमने स्टिक लगा दी ऐसे, काफ। काफ के बाद क्या आएगा? गाव, बे की तरह लिखा, ये वाला हैंड थोड़ा सा लंबा किया और फिर इसके ऊपर एक स्टिक बनाई और फिर इसके ऊपर दूसरी जो स्टिक बनाएंगे ना वो थोड़ी सी छोटी होगी, तो ये बन गया गाव। ये था हमारे पास अलिफ से लेके गाव तक जो हमने रिवाइज किया है। अलिफ से गाव तक प्रैक्टिस करने के बाद अब हम न्यू वर्ड की तरफ आते हैं, ठीक है।